उद्घाटन समारोह प्राचीन काल से मानव अपनी संस्कृति एवं इतिहास का निर्माण करता हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके प्रमाण पुरातन चित्रों, प्राचीन खंडहरों, समाधियों, मंदिरों से मिल जाते हैं। इनके अलावा शिलालेख, चट्टान लेख, ताम्रलेख, भित्ति चित्र, ताड़पत्र, भोजपत्र, कागज, कपड़ा एवं मुद्रालेख आदि भी उनकी अनवरत प्रगति के सूचक हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ भाषा एवं लेखन कला का विकास भी होता रहा। प्रारंभ में लिखने के साधन ईंट, पत्थर, मृतपात्र, शिलापट एवं गुफाओं की दीवारें आदि थीं। देश काल परिस्थिति के अनुसार ये साधन बदलते गए और लगातार परिष्कृत हो रही लिपि एवं भाषा के सहारे मनुष्य अपने को आदिकाल से प्रतिबिंबित करता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा यूनेस्को के माध्यम से बताया गया कि दुनिया भर में 6,900 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से 3,500 भाषाएं विलुप्ति के कगार पर हैं। इस ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए वर्ष 1999 में यूनेस्को ने विश्व भर में हर वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने का निश्चय किया, ताकि इन मरणासन भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन हो सके। भारतवर्ष में जनगणना के अनुसार लगभग 840 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें से दो जनजातियों की भाषा संताली एवं बोडो को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है, जबकि आदिवासियों की एक बड़ी जनसंख्या कुरुख भाषा भी बोलती है, लेकिन दो दशक पहले तक इसकी अपनी लिपि न होने के कारण उपेक्षा झेलनी पड़ी। आज कुरुख की अपनी लिपि है तोलोंग सिकी। तोलोंग सिकी भारतीय आदिवासी आंदोलन एवं झारखंड के छात्र आंदोलन की देन है। तो भाषा के बारे में ज्यादातर हमको ही जिम्मा दे दिया जाता था आंदोलन के तौर पर, तो हम कोशिश करते थे कि संथालियों का है तो उसका लिपि वो जो है उसको सामने लाइए, फिर उराव लोगों का है तो उसका लिपि क्या है, अगर पौराणिक कोई चीज है तो वो ठीक है और नहीं तो नई लिपि को हमको सामने इंट्रोड्यूस करना होगा। तो हमने इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया और मेरे अंदर में लगने लगा कि मेरे अगल बगल में ऐसे कोई लोग हैं क्या जो कि इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इंटेलेक्चुअल और शैक्षणिक लोगों की बहुत भारी कमी थी आदिवासियों के अंदर में, और जो गैर आदिवासी भी थे जो लोग सपोर्ट भी करना चाहते थे तो उनके पास थोड़ा इस विस्तृत जो गहराई से जानकारी है उसका कमी था। ऐसे में ही एक डॉक्टर साहब हमारे थे, हमारे काफ़ी समाजसेवी माता के पुत्र थे डॉक्टर नारायण उराव। डॉक्टर नारायण उराव के साथ मेरी परिचय होने का शायद यही इत्तेफाक है कि मैं इस आंदोलन में आया और वो जिस घर में जन्म लिए, तो जन्म लेने के बाद उन्होंने जो संघर्ष देखा, जो कभी अभाव देखा, तो उसके प्रति इनको पीड़ा होता था और इस पीड़ा के चलते डॉक्टर नारायण उराव मेरे से कई बार मिले और उसमें हमने अपनी बातों को रखा, तो वो मुझे हतोत्साहित देख करके उनको लगा कि ऐसा करने से कैसे होगा, कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ मिलेगा, चलिए करते हैं, खोजते हैं। करते करते हमने कहा तो ये आप जिम्मेदारी आप लीजिए,
इस दिशा में उन्होंने शायद 89 के समय था जिसमें आंदोलन के बाद सरकार वार्ता भी शुरू करी थी हम लोग आंदोलनकारियों के साथ भारत सरकार, और उसी समय इसकी शुरुआत डॉक्टर नारायण उराव के द्वारा तय की गई, और उन्होंने उस लिपि का नाम क्या दिया जाए इस पर कई बैठक होने के बाद तोलोंग सिक्की बोल करके एक लिपि का जो है उसको इंट्रोड्यूस इन्होंने किया, और एक एक अक्षर पर काफ़ी रिसर्च और काफ़ी लोगों से चर्चा करने के बाद एक एक अक्षर को बनाया गया। यह लिपि आदिवासी भाषाओं की लिपि के रूप में विकसित हुई है। इस लिपि को उराव समाज ने कुड़ुक भाषा की लिपि के रूप में मानसिक तौर पर स्वीकार तो किया है, लेकिन इसके प्रसार और ग्राह्यता की गति अब भी काफी धीमी है। आखिर कारण क्या है? दो दशकों के निरंतर प्रयास से तोलोंग सिकी को विकसित करने वाले डॉक्टर नारायण उराव से ही सुनते हैं इस सवाल का उत्तर। जोहार। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में कुल 32 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें से मात्र 5 भाषाओं कुड़ुख, मुंडारी, खड़िया, हो एवं संताली भाषा की पढ़ाई विश्वविद्यालय स्तर पर होती है। इन 32 में से 27 जनजातियों की भाषा का क्या हुआ? क्या इन 27 जनजातियों की भाषा अभी भी बरकरार है या फिर इतिहास के पन्नों में विलीन हो गई? इन भाषाओं के साथ जुड़ी संस्कृति एवं उनकी सभ्यता के इतिहास का क्या हुआ? भाषा मिटने के साथ उनकी सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास सभी मिट जाते हैं, जो मानव इतिहास के लिए गंभीर चुनौती है। देश में लगभग 840 जनजातियां हैं, इनमें से मात्र 2 संताली एवं बोडो भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। इस तरह देश की बाकी 838 जनजातियों की भाषाएं अपने अस्तित्व को क्या बचा पाएंगी? ये आदिवासियों के लिए अति संवेदनशील विषय है। इतिहास साक्षी है कि कुड़ुख पुरखों को अपनी जाति, परंपरा एवं सम्मान की रक्षा हेतु तुड़खर यानी गैर कुड़ुख लोगों से अनेकों बार युद्ध करना पड़ा। कई बार कुड़ुख पूर्वज विजयी रहे और कई बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अंततः अपनी भाषा, संस्कृति एवं स्वाभिमान की रक्षा हेतु वे जंगलों में शरणागत हुए। कई साथी बिछड़े, कई मिट गए और कई भटक गए। आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। हिंदी और अंग्रेजी रोजगार की भाषा बन गई और इस तरह अन्य भाषाओं को मौका दिए बिना ही इन दो भाषाओं का लगातार विकास होता गया। कुड़ुख समुदाय अपने कई पड़ोसी गैर कुड़ुख समुदायों के साथ साथ रहती आई है। एक साथ रहने के चलते इनके बीच भाषाई एवं सांस्कृतिक सम्मिश्रण हुआ और एक नए संपर्क भाषा नागपुरी यथा सादरी आदि का विकास हुआ। बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक समुदायों के बीच इस संपर्क भाषा को राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके चलते यह कुड़ुख भाषा को पछाड़ते हुए आगे निकल गई। भूमंडलीकरण के प्रभाव से कोई भी भाषा, संस्कृति अथवा समाज अछूता नहीं है। आज नई तकनीक के विकास के साथ उनकी भाषा एवं संस्कृति भी साथ आई। चूंकि नई तकनीक शिक्षा सभी समाज को स्वीकार है, अतः नई तकनीक के साथ साथ आई भाषा संस्कृति को अपनाए बिना आगे बढ़ पाना मुश्किल होता है। इस तरह के प्रभाव से कुड़ुख भाषा संस्कृति भी अछूता नहीं रह पाई। झारखंड की आदिवासी भाषाओं में से एक कुड़ुख भाषा की वर्तमान दशा दुर्दशा के कई कारण हैं। पहला, नई पीढ़ी अपनी भाषा संस्कृति से विमुख हो रही है। दूसरा कारण है, बुजुर्ग एवं पढ़े लिखे लोग इसे उचित सम्मान दिला पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, पढ़ा लिखा वर्ग भौतिकवाद की दौड़ में रोजगार की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी के पीछे भाग रहा है और उन्हें देखकर अनपढ़ एवं दरपर वर्ग हीन ग्रंथियों का शिकार हो रहा है। स्थिति यह है, एक सशक्त सभ्यता और संस्कृति की वाहक एवं पोषक भाषा अपने ही घर में तिरस्कृत हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्थिर स्वरूप के बिना बोली का अस्तित्व नहीं होता है।
यही दशा कुड़ुख की रही। अर्थात यदि इसे स्थिरता प्रदान करने का उपाय नहीं किया गया तो यह अपनी प्राकृतिक मौत की ओर अनायास ही बढ़ती चली जाएगी। अतः जब तक भाषा को स्थिरता प्रदान करने वाला रूप यानी लिपि नहीं दिया जाएगा तब तक इसे बचा पाने में कठिनाई होगी। अब सवाल उठा कि हम अपनी मातृभाषा कुड़ुख को वर्तमान दुर्दशा से कैसे उबारें। इस सवाल पर स्थानीय बुद्धिजीवियों के बीच लगातार चिंतन मंथन किया जाता रहा। तय हुआ कि कुड़ुख भाषा को वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु साहित्य सृजन अपनी नई लिपि में होगी, जो नए दौर में भाषाई क्षरण का कवच बन पाएगा। कुड़ुख भाषा की पढ़ाई लिखाई प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक कुड़ुख क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से करनी होगी। जिन्हें तकनीकी अथवा व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई करनी होगी वे नवीं कक्षा से व्यावसायिक विषयों की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई नवीं कक्षा से ही प्रारंभ होती है। अब जो छात्र मैट्रिक तक एक साहित्य विषय के रूप में मातृभाषा पढ़ना चाहते हों वे अपनी मातृभाषा के साथ आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही महाविद्यालय में मातृभाषा विषय के पठन पाठन की समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए। कुड़ुख समाज के लोगों को तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि चीजों में पूरी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक परिश्रम करना चाहिए, किंतु दैनिक जीवन में अथवा अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी मातृभाषा का अनादर करना छोड़ना ही होगा। तो चलिए डॉक्टर नारायण ओराव से ही सुनते हैं तोलंग सिक्की के विकास की कहानी। तोलंग सिक्की का अर्थ तोलंग लिपि है। लिपि के निर्धारण में सबसे पहले आदिवासी भाषाओं की मूल ध्वनियों का संकलन किया गया। इसके लिए अनेकानेक उपलब्ध साहित्य तथा विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर भाषा एवं ध्वनि को समझा गया। उसके बाद उन मूल ध्वनियों के लिए एक एक चिन्ह निर्धारित किए गए। साथ ही आधुनिक तकनीक में खरा उतरने के लिए गणितीय चिन्ह जोड़ घटाव गुणा भाग वृत्त आयत वर्ग आदि को आधार माना गया है। आधुनिक तकनीक में खरा उतरने के लिए इसे 22 सेगमेंट डिस्प्ले सिस्टम में उतारा गया है। यह डिस्प्ले सिस्टम डंडा कटना पूजा अनुष्ठान चिन्ह पर आधारित है, जो सदियों से पूर्वजों द्वारा पूजा अनुष्ठान में खींचा जाता रहा है और सभी लिपि चिन्ह इसी सेगमेंट सिस्टम के अंदर है। यहाँ तक आने में झारखंड आंदोलनकारी छात्र नेता श्री विनोद कुमार भगत, स्वर्गीय डॉक्टर फ्रांसिस एक्का, स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा, स्वर्गीय डॉक्टर बहुरा एक्का, स्वर्गीय डॉक्टर इंदु धान, डॉक्टर वासुदेव बेसरा, डॉक्टर निर्मल मिंज, डॉक्टर कर्मा उराव, डॉक्टर प्रकाश चंद्र उराव, फादर प्रताप टोप्पो, फादर जेम्स टोप्पो, डॉक्टर विक्टर तिग्गा, डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत, फादर अगस्तीन क्रिकेट्टा, डॉक्टर दिनेश उराव, श्री शिवशंकर उराव, डॉक्टर नारायण भगत आदि कई विद्वत्जनों द्वारा अपने विचारों से सहयोग किया है। तोलोंग सिक्की का विकास कुड़ुख भाषा और आदिवासी समाज में बहुत बड़ देन है। एखन कर बेरा में आदिवासी मन के देश कर मुख धारा में जुड़के चाहिए, संगे अपन सांस्कृतिक धरोहर के बचाए के लिए भी
काम करेक चाहिए। अब आदिवासी मन के हिंदी और अंग्रेजी संगे आपन मातृभाषा में भी पढ़े और लिखे होगी। डॉक्टर नारायण उरांव कुड़ुक भाषा ले तोलोंग लिपि विकसित करके बेस बढ़िया सुंदर काम कर रहे हैं। इकर ले सब संगी मन के ढेरे बधाई। जैसा कि डॉक्टर नारायण उराव ने पहले ही बताया कि तोलोंग सिकी के लिपि चिन्ह जनजातीय कर्मकांड और अनुष्ठानों में प्रयुक्त आकृतियों पर आधारित है, जो इस लिपि की सार्थकता साबित करते हैं। तो सबसे पहले तोलोंग का मतलब क्या है? तोलोंग एक प्रकार का मर्दाना पोशाक है, जिसे कमर पर लपेट लपेट कर पहना जाता है। तोलोंग शब्द कुड़ुक, मुंडा, खड़िया, हो, संताली आदि सभी भाषाओं में उभयनिष्ठ है। सिकी का अर्थ लिपि है, इस प्रकार तोलोंग सिकी का अर्थ तोलोंग लिपि है। डंडा कटना के अलावा खेत में हल चलाते समय बनती हुई आकृतियां तोलोंग सिकी की रचना की आधार रही है। किसान अपने हल बैल को घड़ी की विपरीत दिशा में चलाते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। रोटी पकाना, जाता चलाना, पारंपरिक नृत्य, मृत्यु संस्कार, पेड़ की डाल पर लता का चढ़ना, यह सब क्रिया घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। और बताते चले कि तोलोंग सिकी के अधिसंख्य अक्षरों को भी घड़ी के विपरीत दिशा में अनुक्रमित किया गया है। तो चलिए सुनते हैं तोलोंग सिकी के बारे में कुछ और बुद्धिजीवियों के विचार। तोलोंग सिकी की चर्चा आपने की है, उसके खोजकर्ता डॉक्टर नारायण उराव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने एक MBBS चिकित्सक होने के बाद भी साहित्य के क्षेत्र में और वो भी एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। मैं उन्हें भी अपने ओर से साधुवाद देता हूँ। और जिस तरह से समाज के लिए भाषा के साथ साथ संस्कृति के साथ साथ आपका लिपि का होना आवश्यक है, इसका एक भाषा का क्रेज के लिए लिपि का होना आवश्यक है, निश्चित रूप से तोलोंग सिकी एक अच्छा पहल है। और ग्राह्यता के संदर्भ में है कि जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चे को बताएं कि हमारा भाषा इस तरह से है, एक अनुवाद के तौर पर जैसे भात है तो मंडी है, ये विषय को लोग बताएं और उसके बाद हम लोग फिर लिपि को इंट्रोड्यूस करें तो ज़्यादा कारगर होगा। और शुरू में हम लोग जैसे प्राथमिक शिक्षा वर्ग प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसको लागू करें, लागू तो हो गया लेकिन
सैद्धांतिक रूप से लागू हुआ, थोड़ा हम स्पष्ट करना चाहते हैं, सैद्धांतिक रूप से लागू हुआ, व्यवहारिक रूप से हम इसको कैसे लागू करें इसकी चिंता हम सबों को, सबको मिलजुल कर करनी है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि एमए में, बीए में, आईए में पढ़ाई कुरुक की है, लेकिन जितना बृहत रूप में होना चाहिए उतना इसका ये नहीं। जिस तरह से एमए में हम लोग कहते हैं कि जैसे संस्कृत हुआ, अंग्रेजी हुआ, हिंदी हुआ, तो उसमें हम लोग 8 पेपर टोटल संस्कृत में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो रोमन लिपि में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं तो देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, तो हमारा जो 8 पेपर होगा वो बिल्कुल तोलंग सिक्की लिपि में हो, और इसकी सोच को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस सोच को, इसके लिए काम करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर नारायण ओराम को हमारी ओर से शुभकामनाएं, इन्होंने बड़ा मेहनत किया और उन्हें तोलंग सिक्की का ईजाद किया, और आज कुड़ुक भाषा के लिए नहीं बल्कि जितनी भी जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे संथाली है, ओल चिकी है, हो में से हमने सुना है कि होलोंग चिकी है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आज जितना भी क्षेत्रीय भाषा भाषी के लोग हैं अपनी भाषा के प्रति कितनी जागरूक है, और उनको एक भय भी सता रही है कि विकास के भागम भाग में ये कहीं समाप्त ना हो, और इसीलिए ये सारे वर्ग कोशिश कर रही है कि भाई हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, उसको हम सुरक्षित करें, और इसलिए इन लोगों ने लिपि का आविष्कार किया। जैसे हमारी उरांव लोगों की जो जनसंख्या है पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और इससे मुझे लगता है कि 50 लाख की जनसंख्या में पूरे वर्ल्ड में होगी, और जब पूरे वर्ल्ड में हमारे इतने लोग हैं तो मैंने जो देखा है, जैसे बांग्लादेश हो या भूटान हो या नेपाल हो या और राज्यों में, जहाँ पर भी लोग हैं वहाँ भाषा लोग नहीं भूला है, और इसी से मुझे ऐसा लगता है कि ये कुड़ुक का कितना, अपना भाषा का कितना महत्व लोगों ने दिया है। झारखंड छोड़ने के बावजूद भी लोगों ने अपनी भाषा को बचाए रखा है, और मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है, सारे लोगों के लिए, कि जब मैंने नेपाल प्रवेश किया था तो वहाँ लोग कुरुख बोल रहे थे, और मैंने देखा कि जिस राज्य में हम रहते हैं, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, वहीं लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं, और इसलिए बेहद ज़रूरी हो गया है अपनी भाषा को बचाने के लिए, और तोलंग सिक्की का आविष्कार हो चुका है, और इसलिए हम लोग इसको मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे, और हमारे तरफ से जो सहयोग होगा अपने संगठन की ओर से, अपने समाज की ओर से, मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। हम तो बचपन से कुड़ुक ही बात करते थे, माँ के गर्भ से ही, इसलिए तो ये मेरी मातृभाषा है। अपनी भाषा को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम, अगर आप इटालियन और जर्मन और क्या क्या भाषा बोल सकते हैं थोड़ा बहुत भी, क्योंकि मैं मातृभाषा को जानता हूँ। जो लोग मातृभाषा ही को नहीं जानेगा तो दूसरी भाषा कैसे सीख सकेगा, मेरा ऐसा ख्याल है। और मैं कुछ भाषाओं को सीख जाता हूँ, सीख गया हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अपनी मातृभाषा जानता हूँ बचपन से। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे कुरुख भाई बहनों को कि अपनी मातृभाषा को हर किसी भी हालत में सुरक्षित रखना चाहिए। तो लिपि होने से उस भाषा की शक्ति बढ़ती है, और उस भाषा बोलने वालों को भी बल मिलता है, उनकी पहचान होती है। तो इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि उसको जहाँ तक हो सके विकसित करना चाहिए, और उसके साथ जितने कुड़ुख भाषी लोग हैं वो जुड़ जाएं। आप चाहेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स जो हैं वहाँ पे इसकी पढ़ाई शुरू हो? जरूर जरूर होनी चाहिए, वहाँ पे तोलंग सिक्की हो, कुड़ुक पढ़ाई जाए, इसके बुक्स आए, बच्चों के लिए आवश्यक किया जाए कुछ है, कुछ जगह। हाँ, तो प्रथम क्लास में तो इस सबको सीखने से तो अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, और उसको जानेंगे तो दूसरी भाषा पढ़ने में भी उनको सुविधा होगी, निश्चित है। अपनी भाषा का जो गौरव है उस पर हम लोग गौरव का अनुभव करेंगे कि हम अपनी भाषा में हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कह सकते हैं, और हमको सुसंगठित भी कर सकती है भाषा।
इस पर सरकार से कोई अपेक्षा है आपकी? सरकार से कुछ अपेक्षा है आपकी? हाँ, तो अगर सरकार अपने से कुछ करेगी नहीं, लेकिन अगर हम लोग कोशिश करेंगे और सरकार से भी साथ मांगेंगे तो उसको करना ही पड़ेगा। एकजुटता की जरूरत है, जरूर है, एकजुटता की जरूरत है, एक साथ मिले हम लोग। और अपनी भाषा को इस तरह से विकसित करना, ये तो गौरव की बात है। तोलंग सिकी की पढ़ाई कुछ स्कूलों में हो चुकी थी, कुछ विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए, तो उसके लिए परमिशन के लिए हमको जैक जाना हुआ। और जैक वालों ने कहा कि जब तक मैट्रिक की सिलेबस में ये तोलंग सिकी की किताब नहीं होगी तब तक हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। अब हम लोग की समस्या बढ़ गई, उस समय राष्ट्रपति शासन भी था, आप समझ सकते हैं हम लोग की स्ट्रगल। और हम सब मिलकर के नारायण भाई के पास भी गए और एक साथ प्रयास करके टेक्स्ट बुक के लिए प्रयास किया। और इस प्रयास के बाद 2009 में हम लोग को परमिशन मिला और तब से परीक्षा हो रही। जिस तरह से क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ है, इस लिपि के आने से पूरे देश में हलचल मच गई है और कुड़ुख भाषा को एक नया आधार, नया आयाम मिलने की ओर अग्रसर है। आज इसकी मांग 8वीं अनुसूची में करने की बात हो रही है। अगर यह समृद्ध होगा तो 8वीं अनुसूची में पहुंचने में बहुत सुगम और बहुत हमारा दावा जो है और प्रबल हो जाएगा, ऐसा है। बंगाल सरकार को धन्यवाद के पात्र हैं जिसने राज्य की दूसरी भाषा के रूप में 8वें नंबर पर संसूचित किया है, जो झारखंड को पहले करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर में, रिसर्चेज के स्तर में सारा चीज हो रहा है, यहाँ झारखंड सरकार को अनुसरण करने की आवश्यकता है। ये तोलंग सिकी जनजातीय ओराव समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जहाँ तक एक्सेप्ट करने की बात है, उन पर सहमति की बात है, तो हम इंग्लिश स्कूल जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में सारा काम क्रिया कर रहे हैं, तोलंग सिकी को भी हमें अंग्रेजी और हिंदी के समानांतर काम करने की आवश्यकता होगी। इसका सबसे बड़ा लाभ तो होगा ये तोलंग सिकी कुड़ुक जो अपनों के बीच से भी लुप्त होते जा रहा है, इनको समायोजित करने के लिए, बचाने के लिए मैं डॉक्टर नारायण ओराओन उनके समूचे टीम को बधाई देना चाहता हूं कि एक पेशे से डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने तोलंग सिकी पर काम किया। समझिए, पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए ताकि हम लोग अपने आप को बचा सकें। आज के इतना ही कहते हुए आप लोग को हम लिपि के बारे में अगर हम देखा जाए तो बहुत पहले से भी शुरू हुई थी, जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, दो तीन तरह की बनी, उसमें बहुत सारे लोग बने और कुछ और भी सारे लिपि हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन चक्कर ये है कि भाई आप जब तक बनाएं और जब तक समाज को ना दें और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना बढ़े और सरकारी तौर पर मान्यता भी होनी चाहिए, ये तो सबसे प्रथम स्तर पर आता है। और मैं डॉक्टर नारायण को यह धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने कि ये बनाया, जो तोलंग सिकी लिपि को जिस तरह से बना रहे हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय लिए हैं, उसमें सारे जो हमारे कुड़ुख समाज के या उराव समाज के जितने भी सांस्कृतिक और जो नेक दस्तूर हैं उसको गढ़ा है उसमें। डॉक्टर नारायण ओराव साहिदा के द्वारा कुड़ुख भाषा के लिए एक तोलंग सिकी नाम से नया स्क्रिप्ट तैयार किया गया, लिपि बनाई गई है, और इसका भी पूरे समुदाय में, पूरे देश के पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, पक्ष में विपक्ष में। लेकिन ये मेरे समझ से इस नई लिपि को प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के द्वारा आरंभ करना चाहिए, क्योंकि शुरू में ही वो लोग अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो तोलंग सिकी के बारे में भी वो लोग प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर वो लोग इसको सीखेंगे, जानेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि लोगों का यह मानना है कि देवनागरी लिपि या हिंदी से लिखने से हमारी अस्मिता, हमारी पहचान नहीं बन पाएगी, इन चीज़ों को समाज के लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चूँकि तोलंग लिपि में
लिखने पढ़ने से समाज के लोगों का यह मानना है कि यह हमारे ना केवल भाषा को बचाएगी बल्कि भाषा को बचाते हुए साथ में हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को भी यह बचाएगी। पूरे भारत के कुड़ुख समाज ने इसको स्वीकार किया है और बंगाल और असम की बात अगर हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा रुचि उनकी है और वो बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं। इनकी लिखाई पढ़ाई जो हो रही है कुड़ुख भाषा की वो तोलोंग सिकी से ही हो रही है और इस वर्ष 21 फरवरी को बंगाल सरकार ने इसको मान्यता भी दे दी है। उन्होंने घोषणा किया है तोलोंग सिकी को स्वीकार करने के लिए और इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा काम जोर शोर से चल रहा है। झारखंड की बात हम करते हैं तो झारखंड में काम चल रहा है, थोड़ी सी लेट है। समाज के लोगों ने स्वीकार किया है लेकिन यूनिवर्सिटी के स्तर पर हम जोरों से काम नहीं कर पाए हैं, वो भी गिने चुने लोगों की ओर से थोड़ी अड़चन है, वो भी आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये दूर हो जाएगा। डॉक्टर नारायण उराव ने जो लिपि समाज को दी है वो निश्चित रूप से हमारे समाज की पहचान का एक मूल चीज है और इसे हम समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। कुड़ुख भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि अपनी भाषा को, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इसका अक्षरशा लोग पालन करें, इसका प्रचार प्रसार करें और इसमें हम लोग उनका सहयोग के लिए सदा तत्पर रहे हैं और रहेंगे। डॉक्टर नारायण उराव द्वारा बनाए गए तोलोंग सिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुड़ुख जाति के लिए कुड़ुख भाषा और उसकी लिपि का निर्माण करना भाषा के को जीवन रखने में, जीवित रखने में बड़ा सहयोग देगा। कुड़ुख भाषा का प्रसार प्रायः हमारे देश में 12 राज्यों में जोर शोर से हो रहा है और इसका आधार हमारी ही लिपि तोलोंग सिकी है। इसलिए हम डॉक्टर नारायण उराव को धन्यवाद देते हैं कि इस भाषा की उन्नति के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और इसका विकास हो रहा है। हम यदि अपने इस लिपि को आज अपनाएं या अपने अब इस लिपि को हम पर हम लोग पढ़ाए लिखाए शिक्षा शुरू करें तो ये हमारे समाज को, मुख्य रूप से कुड़ुख समाज को एक सूत्र में बांधने का काम क्या ये बांध सकती है और बांधेगी। बात ऐसी है कि कुड़ुख भाषा की छोटी बड़ी बहुत लिपियाँ होती आई लेकिन कोई सस्टेन नहीं कर सके, तो अंत में इनसे भेंट हुई डॉक्टर नारायण उराव से और उनको उनसे बातचीत करते करते मैंने कहा कि देखो भाषा तो बोली जाती है, लोग सुनते हैं लेकिन सुन करके बोलने और उसके बाद उसको दृश्य रूप में देख करके कहने सकें कि ये कुड़ुख भाषा है, उसके लिए उपाय तो सोचना होगा ना। तो उनके उनको उनका विचार और आगे दौड़ के गया और तोलोंग लिपि ढूंढने के लिए उन्होंने शुरू किया और उन्होंने डंडाकट्टा जो सेरेमनी हम लोग का है वहाँ जो 7 रंग के हैं बने हुए हैं वहाँ से उन्होंने शुरू किया। ये एक बिल्कुल ही बुनियादी बात है और उससे उन्होंने प्रेरणा पा करके अगुवाई पा करके शुरू किया और इसको जो आदिवासी सब और कुरुख सब मैंने बायां से दहिना जाते हैं ना ऐसे ही होते जाएगा इसे। और उसमें मैंने ऊपर नीचे हर्ष इधर उन कुछ नहीं होगा, वो बगल ही में उसका निशान होते जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छी बात हुई कि ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे जो कुछ करने का है उसको करते जाएंगे और उसी से भाषा जैसे बोली जाती है वैसा
लिखा जाएगा। उसके बाद और धीरे धीरे बात बढ़ती गई और इसको मैंने ऐसा भी कहा कि इसको लिंग्विस्ट साइंस वाले जब तक के प्रूव नहीं करेंगे तो यह जायज़ तो नहीं होगा शिक्षा जगत में। इसलिए करते करते हम लोग ने दो ऐसे लोगों को पाया जो अपने बीच के थे, फ्रांसिस एक का जो मैसूर सेंट्रल लैंग्वेज स्टडीज में थे और डॉक्टर रामदयाल मुंडा, दोनों लैंग्वेज साइंस के पंडित रहे और उनको हम लोग ने पकड़ा और कहा कि चलिए बैठिए और देखिए कि यह सस्टेन करने वाली होगी कि नहीं। और सही में भाषा के साथ इसका चलने से लोग कैसे और आगे इससे प्रेरणा पाएंगे, तो महाराजा होटल में हम लोग बैठे और लगभग 3-4 घंटा बैठ करके उन्होंने देखा और इनके काम को और देख करके सब आगे पीछे तर्क वितर्क करते करते काफ़ी काम हुआ और उन्होंने दोनों ने इसको सिफारिश किया कि इसको ऐसे ही होना चाहिए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने तो इतना भी कहा उस समय कि इस लिपि से आदिवासी सब भाषाएं लिखी जा सकती हैं, इसका व्यवहार हो सकता है अगर चाहें तो। जुलाई 1996 ईस्वी में भाषाविद डॉक्टर फ्रांसिस एक्का एवं मई 1997 में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी द्वारा दी गई सलाह हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे। दोनों विद्वत जनों ने माना था कि सामाजिक सह सांस्कृतिक आधार वाली लिपि तैयार करनी होगी। विज्ञान के अनुसार नई लिपि में इस तरह के गुण होने चाहिए। तोलंग सिक्की ही क्यों? उपलब्ध कुरुक साहित्य के अवलोकन से पता चलता है कि पूर्व में आजादी से पहले ईसाई मिशनरियों ने कुरुक भाषा के लिए सर्वप्रथम रोमन लिपि का प्रयोग किया। उसके बाद देवनागरी लिपि का व्यवहार किया जाने लगा। वर्तमान में महाविद्यालयों में कुरुक भाषा का पठन पाठन का माध्यम देवनागरी लिपि है। इस परिस्थिति में एक नई लिपि तोलोंग सिकी को स्वीकार करने की बात पर लोग सवाल कर सकते हैं, एक और नई लिपि आखिर क्यों? इसके जवाब में हम स्वयं से प्रश्न करें, क्या उपर्युक्त लिपियां कुरुक भाषा के लिए उपयुक्त हैं? क्या ये दोनों लिपियां कुरुक भाषा की सभी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं? क्या ये दोनों लिपियां कुरुक भाषा की प्रकृति की मूलता को बरकरार रख पाएंगी? क्या ये लिपियां कुरुक समाज एवं संस्कृति को प्रतिबिंबित करती हैं? क्या उपरोक्त लिपियों से कुरुक भाषा एवं समाज को भूमंडलीकरण के दबाव से बचाया जा सकेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है नहीं। यदि इन प्रश्नों का उपरोक्त उत्तर नहीं है तो सही उत्तर क्या है? उत्तर है तोलोंग सिकी। तोलोंग सिकी या तोलोंग लिपि को कुरुक समाज एवं कुरुक संस्कृति को आधार मानकर विकसित किया गया है। इस लिपि की वर्णमाला का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान में बतलाए गए दिशा निर्देश के अनुसार किया गया है। कुरुक भाषा की बोलचाल में लगभग 72 ध्वनियों का व्यवहार होता है, जिसे 41 मुख्य लिपि चिन्हों पर एवं 6 सहायक चिन्ह के योग से लिखा जा सकता है। इनमें से 36 व्यंजन ध्वनि एवं 36 स्वर ध्वनि है। इसे झारखंड जनजाति कल्याण शोध संस्थान रांची के विद्वत जनों का मार्गदर्शन प्राप्त है। इसे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची के प्राध्यापकों का मार्गदर्शन प्राप्त है। इस लिपि का कंप्यूटरीकरण हो चुका है तथा फॉन्ट सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरनेट पर उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर डिजाइनर एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री किसले ने वर्ष 2002 में केली तोलोंग फॉन्ट के नाम से कंप्यूटर वर्जन विकसित किया तथा वर्ष 2017 में इसका
अद्यतन रूप प्रकाशित किया है जो आदिवासी समाज को निःशुल्क समर्पित है। इसे tolongsiki.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे झारखंड के कुरुख लोगों ने कुरुख भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया है तथा वर्ष 1999 से ही सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में पठन पाठन जारी है। आइए सुनवाते हैं तोलोंग सिकी के उपयोगकर्ताओं के अनुभव। जब से तोलोंग सिकी की शुरुआत हुआ है तब से ही मैं डॉक्टर नारायण के साथ इस पर मैं काम करने के लिए आरंभ किया। आज फ्लुएंटली मैं पढ़ने में जरा सा हिचक है लेकिन लिखने में मैं उसी स्पीड से लिख सकता हूँ। और इसी के विकास के संदर्भ में सबसे पहले स्कूल खुला कुड़ुख कत खोड़ा लूर रप्पा लूर डिप्पा डुमरी भागी टोली गुमला, वहाँ मैं 2010 में निदेशक के रूप में कार्य किया। एक वर्षों तक वहाँ कार्य करने के क्रम में वहाँ के बच्चों के साथ मैं घुल मिल करके इसका विकास के लिए कार्य किया। सर्वप्रथम 2009 में पहली बार जैक के द्वारा तोलोंग सिकी में कुड़ुख भाषा की परीक्षा लिखने के लिए कुड़ुख कत खोड़ा लूर पालू डिप्पा भागी टोली गुमला के 39 छात्र छात्राओं के लिए परमिशन मिला था। देखिए भाषा बहुत सारा दुनिया में है, इंग्लिश भी एक भाषा है और तोलोंग सिकी भी एक भाषा का लिपि है, तो अपना है तोलोंग सिकी, तो क्यों नहीं हम अपना लिपि को सीखें और अपना लिपि से अपना लिपि के द्वारा अपना इसमें साहित्य जो छुपा हुआ है, अपना विधि विधान, अपना नीति नेक दस्तूर इसमें छुपा हुआ है, तब लिपि से सीखेंगे तभी ना जानेंगे अपना समाज, अपना संस्कृति, अपना सभ्यता क्या है। पढ़ाई के साथ साथ हम चाहते हैं कि ये जो कुड़ुख पढ़ रहे हैं वो दूसरों को भी पढ़ाएं। इसी भाषा के माध्यम से ही समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, लोगों को कुछ बताया जा सकता है, इसलिए मैं भी सीख रहा हूँ और सीखने के बाद मैं भी अपने लोगों को सिखाऊंगा। जैसे अभी हमारे समाज अपना रीति रिवाज या भाषा को भूलते जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि पढ़ लिख के अगला को भी पढ़ाना चाहूँगी और सिखाना चाहूँगी। दिन में इस क्षेत्र में जितने भी प्राइमरी उच्च विद्यालय स्कूल है वो सभी में टीचर की जरूरत पड़ेगा, तो बच्चा लिपि में पढ़े लिखे रहेंगे, बीएड किए रहेंगे तो उसको टीचर का नौकरी लगेगी। इस क्षेत्र में वीडियो बनना है तो इस क्षेत्र का भाषा को जानना जरूरी है। इसी गांव के निवासी हैं डॉक्टर नारायण उराव। पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर उराव और माता श्रीमती फुलमनी उराव की 5 बेटियों में इकलौते पुत्र नारायण की 5वीं तक की स्कूली शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में हुई। संत तुलसीदास उच्च विद्यालय से मैट्रिक पास किया। रांची कॉलेज से विज्ञान में इंटरमीडिएट करने के बाद इनका दाखिला दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हो गया। वहीं से डॉक्टरी शिक्षा पूरी की। डॉक्टर नारायण ने PGDMCH इग्नू से किया। 1992 में इनका विवाह ज्योति टोप्पो से हुआ। डॉक्टर ज्योति रांची के गौसनर कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हैं। नारायण दंपति के 2 पुत्र हैं, दोनों इंजीनियरिंग कर चुके हैं। डॉक्टर नारायण की रुचि शुरू से ही पठन पाठन, लेखन, सांस्कृतिक विवेचना एवं शोध कार्यों में रही है। चलिए इनकी पत्नी डॉक्टर ज्योति टोप्पो उराव से ही सुनते हैं डॉक्टर नारायण के बारे में। बेटे के जन्म के बाद ही मतलब देखे कि ज़्यादा उनका ध्यान उधर जाता था और मतलब हमेशा लगे रहते, तो कुछ कुछ कॉपी में देखते थे, हमेशा कुछ लिखते रहते, हमेशा रेखा चित्र हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ बनाते, हम लोग को समझ में ही नहीं आता क्या बना रहे हैं, हम लोग बोलना पड़ता था क्या कर रहे हैं, थोड़ा बच्चे को भी तो ध्यान दीजिए। तो नहीं नहीं ठीक है, बच्चा भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, बच्चा तो खेल रहा है, सो रहा है, उसको कुछ सोचना नहीं, हम कर लेते हैं, तुम अपना काम करो, तुमको कोई ज़रूरत हो तो बोलो। तो हम तो चूँकि हमेशा बाहर ही रहे थे इसलिए हम लोग को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उनसे सहयोग लिया जाए, सब काम हम लोग आपस में ही मिलकर, दो ननद रहती थे साथ में, हम लोग मिलकर ही कर लेते थे। तो लेकिन सुबह में भी सुबह उठते के साथ शुरू हो जाता था, कॉपी पेंसिल लेकर के कुछ कुछ लिख रहे हैं, रात में भी
खाना खा कर के वही हो जाता था शुरू, कुछ मतलब कुछ करना है इस तरह का जुनून है कुछ अलग हटकर। और ये तो बहुत की आदत ही होती है, इसीलिए उस पर कभी रोक नहीं डाले, रोक नहीं किए कि दो दशक का समय बहुत होता है। हाँ। दो दशक दिया, आपने भी दिया जरूर, आपका कहीं कहीं पर कंट्रीब्यूशन तो रहा ही है। सहयोग तो खैर अब हमको भी नहीं लगता कि हम सहयोग क्या दिए, ये तो हम लोग यही हुआ कि उनको हम परेशान नहीं कि, यही मेरा सबसे बड़ा सहयोग है कि कभी किसी चीज़ के लिए बोले नहीं कि आप ही कीजिए, जो हमसे बन पड़ा हम अपने ही किए। बचपन से वो एक इकलौता पुत्र था और वो बहुत माहिर था, हर चीज़ में लगन के साथ जो भी काम करता था एक शुरुआत से किया करता था। हम लोग उसको एक बचपनी जीवन से जानते हैं कि हमारे गांव में एक मिशन संस्था का स्कूल है, पहला से एक पांचवा तक उसमें भी बहुत अच्छी तरह से अपना भागीदारी निभाया। मैट्रिक के एग्जाम यहाँ संत तुलसीदास से ग्रहण किया, वहाँ से पास करने के बाद एक शुरू से वो इतना तेज दरार था ही बुद्धि का कि 90 से 100 नंबर तक का गणित में अंक लाया करता था, उसको हम लोग जानते थे। यहाँ से निकलने के बाद वो शहर की ओर निकला, एकलौटा पुत्र था और उसका दादो जिस समय की 5 रुपया में महीना में सर्विस करता था तो एक पोस्टमास्टर था, तो उसका अपना दादो के साथ दिन भर काम भी करता था पढ़ाई भी करता था। तोलंग सिकी का आधार कुड़ुक भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज एवं मान्यता है। इसमें कुड़ुक भाषा के सभी मूल ध्वनियों के लिए ध्वनि चिन्ह है। यह कुड़ुक भाषा की प्रकृति की मूलता को बरकरार रखने में सक्षम है। यह भूमंडलीकरण के कुप्रभाव से बचने के लिए प्रतिरोधक का कार्य कर सकता है, साथ ही यह भूमंडलीकरण के दबाव के बीच कुड़ुक सभ्यता संस्कृति को दूसरे बड़े समुदाय के बीच नेत्रग्राह बनाएगा। इतिहास की ओर मुड़कर देखने से पता चलता है कि रोमन लिपि का इतिहास रोमन सभ्यता से है तथा देवनागरी लिपि का इतिहास वैदिक सभ्यता से है। इस प्रकार इन दोनों में से कुड़ुक सभ्यता अथवा आदिवासी सभ्यता की झलक लेस मात्र भी नहीं है। अतएव वर्तमान में रोजगार की एवं तकनीकी शिक्षा हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी को अपनाया जाना आवश्यक है तथा भाषा संस्कृति को बरकरार रखने के लिए अपनी मातृभाषा को पठन पाठन का आधार बनाकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। हिंदी, अंग्रेजी एवं कुड़ुख, इन तीनों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला को स्थान दिया गया है, साथ ही झारखंड सरकार ने भी इस फॉर्मूला को लागू किया है। अब बारी समाज की है कि वे आगे कैसे बढ़ें।